Hello everyone. So yes, good afternoon and welcome back to the YouTube channel of UGC Net JRF at Byju's Exam Prep. This is Toshiba Shukla, your paper 1 faculty at Byju's. So I hope you all are here and jaldi se mujhe bata dijiyega that yes, you are able to hear me. You're able to hear my voice. The PPT is also visible. Video bhi aapko acche se dikh raha hai. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं. आज हम एनवायरनमेंट पे मैराथन लेकर आए. नाउ ये मैराथन सेशंस होते क्या हैं फॉर द स्टूडेंट्स जो कि नए हैं उनको मैं आपको बहुत क्विकली बताऊंगी. बट फर्स्ट लेट मी नो वेदर एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम ऑडिबल एंड यू हैव ज्वाइन द क्लास. एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सो दैट योर अटेंडेंस इज ऑल्सो मार्क्ड हियर. ओके सो हाय पद्मिनी, हेलो विभा, हेलो ज्योति, हेलो पुष्पा, हाय ममता, हेलो नंदनी, अनूप सरकार. यस एवरीवन एवरीवन कीप ऑन जॉइनिंग कीप ऑन जॉइनिंग. सो जैसे कि आई वाज टेलिंग मैराथन एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट आपका यूनिट 9 है राइट. पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड दिस इज द मोस्ट लेंदीएस्ट टॉपिक लेंदीएस्ट यूनिट. और इससे अभी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं राइट. सो व्हाट वी विल डू, अब हम बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ नए क्वेश्चंस के साथ वी विल टेक सम थ्योरी एज वेल राइट. सो थ्योरी क्लास लेंगे. आज का जो थ्योरी का टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे और देन वील सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो. सो थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे दैट आर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर. तो ये क्लास बहुत अलग होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दैट व्हेन आई से इट विल बी अ डिफरेंट सेशन, बिकॉज इट विल बी अ वेरी डिफरेंट सेशन. आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इट्स अ न्यू टाइप ऑफ सेशन ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा. ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. सो माय क्लासेस ऑन यूट्यूब आर ऑन मंडे एंड वेंसडे 12 बजे. आज बुधवार है इसलिए हम मिल रहे हैं. टेलीग्राम ग्रुप की बात करूं मैं अगर, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, द कॉमन पेपर 1 ग्रुप. तो इसमें हम जितना भी पेपर 1 से जुड़ी हुई क्लासेस होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, हम देते हैं. दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप राइट. In case you want to connect with me personally, I share few things, few articles, कुछ questions. So ये मेरा group है, you can join this group as well, right? Both the groups are open for you. I will share the PDF, the PPT of this session on the Telegram group. Clear? Any doubt? चलो. So first thing first, एक जल्दी से सुपर क्विक कोट देख लेते हैं ठीक है. ये कोट क्या है, ये कोट आपको बता रहा है सक्सेस क्या है, सक्सेस के पैरामीटर्स या सक्सेस में क्या क्या चीजें लगती हैं. फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स यू नो शुरू होता है ये सफर डाउट से. डाउट होता है आपको अपने आप पे, फिर काफी सारे फेलियर्स होते हैं. मे बी यू माइट गेट फेलियर टाइम्स यू नो मेनी टाइम्स इन योर लाइफ. क्रिटिसिज्म होता है, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो लाइफ में, अच्छा आप तो प्रिपेयर कर रहे थे, लास्ट टाइम भी तो आपने दिया था, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा. देन रिजेक्शन, मे बी यू आर राइट देयर, स्टिल आपको कुछ ना कुछ रिजेक्शन फील फेस करना पड़ सकता है राइट. प्रॉब्ली यू आर राइट देयर एंड देन अगेन वहां जाते जाते रिजेक्ट हो जाओगे. फिर आपका एक डिसिप्लिन आता है राइट, यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं. परसिस्टेंट, आई गेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी राइट. अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज के लिए लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, आपको वो चीज मिलेगी. देन ऑफकोर्स इट कैन हैव सर्टन लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग. अगर आप रात को नहीं पढ़ते हैं तो हाँ सुबह सुबह उठ के रात को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सो सक्सेस इज नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट है ना, कि सक्सेस आपको अचानक से मिल गया एकदम दो दिन में तीन रात में, नहीं ये कोई हॉलीडे पैकेज नहीं है. ये आपको पूरा यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स, सैक्रिफाइस, क्रिटिसिज्म, परसिस्टेंस, लेट नाइट, हार्ड वर्क, देन यू गेट द सक्सेस राइट. सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी, पर थोड़ा सा परिश्रम करके. ओके सो
वन मोर इंफॉर्मेशन, आई विल बी ब्रिंगिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हेयर यू कैन सी। लॉजिकल रीजनिंग से नो टेंशन, ये आपका मास्टर ब्लास्टर सेशन होगा आने वाले वीकेंड पे, राइट। सो ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेज बहुत जल्दी आपको टाइम बता दिया जाएगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ेंगे, राइट। सो डू रिमेम्बर टू ज्वाइन मी फॉर दिस क्लास एज वेल, इसमें आपको काफी कुछ फायदा होने वाला है। यस, चलो सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस क्लास। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे, हम शुरू करते हैं। हम आज आपको पढ़ाएंगे बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फेयर। ये बहुत स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। क्लास को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊंगी। जो नोट्स हैं वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सो आई होप यू विल एडजस्ट, राइट। ओके, सो बायोस्फेयर होता क्या है? जब मैं आपसे बोलती हूँ एटमोस्फेयर, राइट, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल, है ना। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर क्या है? जलमंडल, जहां पे जल है। इफ आई एम टेलिंग यू लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है? जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं, जहां पे हम रहते हैं, राइट। तो बायोस्फेयर क्या होता है? बायो यानी कि कुछ जीव, जैव मंडल जिसको बोलते हो। बायोस्फेयर इज एक्चुअली दैट जोन वेयर ऑल दीज थ्री थिंग्स इंटरसेक्ट। यू शुड बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ एटमोस्फेयर, सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर एज वेल। इन्हीं सब के कारण से यू हैव लाइफ पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में बोलूं, अगर हमें जीवन को क्या हम चाहते हैं, या अर्थ में हम देखें जहां पे जीवन पॉसिबल है, मुमकिन है, वो इन सब चीजों की वजह से होता है। आपको एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आप इमेजिन करिए, क्या आप सिर्फ अकेले बिना एटमॉस्फेयर के लिथोस्फेयर में रह सकते हैं? नहीं। क्या आप बिना हाइड्रोस्फेयर पानी के एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं? नहीं। सो इन सारी चीजों का जो एक्यूमुलेशन होता है, वी हैव एटमॉस्फेयर, वी हैव हाइड्रोस्फेयर और वी हैव लिथोस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर, ठीक है। आ रहा है समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो प्लीज नोट डाउन कर लो। आई ट्राई टू गिव यू द पीडीएफ एज वेल, बट समझते चलना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो बायोस्फेयर में होता क्या है? बायोस्फेयर, जैसे मैं अगर बात करूं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है हिंदी में? पारिस्थितिकी तंत्र, राइट। या मैं अगर बोलती हूँ इकोलॉजी, इकोलॉजी किसी भी चीज के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, राइट। सो हम जब इस इकोसिस्टम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं, साइंटिफिक स्टडी, वी डू द साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर। उनके आपस में भी जो इंटरेक्शन होता है उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द थिंग्स अराउंड यू, इट्स अ यूनिट। इकोसिस्टम एक यूनिट होता है जिसमें क्या चीजें आती हैं? आपका बोथ बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक। इकोसिस्टम में भी बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें होती है, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, और ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एनिमल से करते हैं, हम प्लांट से इंटरैक्ट करते हैं, हम इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी इंटरैक्ट करते हैं, डोंट यू थिंक सो? जैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया है, हमें लगेगा बैक्टीरिया से हमारा क्या इंटरैक्शन, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज बैक्टीरियाज ऑल्सो, है ना। अगर आपको दही जमाना है अभी गर्मी में, तो क्या आप बिना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कर्डिंग कर सकते हो, दही जमा सकते हो? नहीं जमा सकते। डिकम्पोजिशन करना है, ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर। और हाँ, मिस्टर किंग ये सिलेबस में शो नहीं कर रहा है, आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, सो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। कीस्टोन स्पीशी, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, यूजीसी, यूपीएससी जैसा है, हर चीज सिलेबस में नहीं दी है। अगर आप सिलेबस के
डिपेंड होके चलोगे तो आपका कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, राइट? देर आर मेनी थिंग्स, बहुत सी कुछ चीजें सिलेबस में नहीं दिया, आईपी एड्रेस नहीं दिया सिलेबस में। सिलेबस में आपसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हायर एजुकेशन या एनवायरमेंट में, सॉइल सॉइल पोल्यूशन दिया है, सॉइल के बारे में कुछ नहीं दिया, बट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तैयारी करनी है तो वो चीजें भी पढ़नी है जो सिलेबस में नहीं दिया बट पूछते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो इकोलॉजी इकोलॉजी इज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल, इकोसिस्टम इज गिवन बाय एजी टेंसली, एजी टेंसली, फाइन। सो यही आपका बायोस्फेयर में भी होता है, बायोस्फेयर में भी इंटरैक्शन होता है बिटवीन लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरमेंट। सो ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स इंटरैक्ट विद एनवायरमेंट एंड दैट्स वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बायोस्फेयर किसने दिया? एडवर्ड स्विस इन 1875 ही गेव द टर्म बायोस्फेयर, फाइन, एंड ही टोल्ड दैट इट्स द स्फेयर, ये ऐसी जगह है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जहां पे जीवन आपका मुमकिन है। 1875 में एडवर्ड स्विस ने ये टर्म दिया था। क्लियर क्लियर, एनी डाउट? हाँ, अब सिग्निफिकेंस क्या है बायोस्फेयर की? जैसे आपके डिफरेंट इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, बायोस्फेयर में आपको बायोस्फेयर शेल्टर देता है, फूड देता है सारे लिविंग बींग्स को, फूड वेब जो आप बोलते हो, जैसे वन थिंग इज व्हाट, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? मान लीजिए घास है, घास को रैबिट ने खाया, ठीक है, रैबिट को मान लीजिए किसी और एनिमल ने खाया, उसको शेर ने खाया, तो ये एक पूरा सिस्टम है, ये एक लिंक है, ये एक चेन है जो हमारे इकोसिस्टम में होती है। बट इन प्रैक्टिकल टर्म्स अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी भी एक सोर्स पे डिपेंड करके रहना क्या पॉसिबल है? अगर मैं आपसे बोलूं आप सिर्फ रोटी खा सकते हो, पर कल को अगर रोटी नहीं है तो आप चावल भी खा सकते हो, अगर चावल नहीं है तो आप मैगी भी खा सकते हो, मैगी नहीं है तो आप ब्रेड भी खा सकते हो, राइट? यू हैव ऑप्शंस, और अगर ऑप्शंस रहते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप सर्वाइव अच्छे से कर पाओगे। वैसे ही ये आपका बायोस्फेयर है, राइट? फूड चेन है। सो फूड चेन में एक्चुअली फूड चेन की जगह आपका होता है फूड वेब, एक पूरा जंजाल, लाइक एक चेन है, एक चेन है, एक चेन ये है, दे ऑल आर रिलेटेड टू इच अदर। इन केस अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक स्पीशी विलुप्त हो जाती है, तो आप किसी और पे डिपेंड हो सकते हो उस चीज के लिए, तो स्टर्डिटी बढ़ती है सिस्टम की, आपके एनवायरनमेंट के सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं, इट्स मोर स्टर्ड, इट्स मोर, इट विल बी एबल टू सर्वाइव मोर, और क्या आपका इकोसिस्टम फ्लरिश कर पाएगा, राइट? फूड चेन एंड फूड वेब। ओके, सो हियर बायोडाइवर्सिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे आपसे यूजीसी पूछता है, यूपीएससी पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, या जैव विविधता क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज एक्चुअली द वेराइटी ऑफ लाइफ जो कि इस अर्थ में मिलती है। अब लाइफ मतलब प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फंजाई भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ये सारी कम्युनिटीज जब एक साथ आती हैं, एक साथ रहती हैं, राइट, अलग अलग प्रकार की, उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये लैंड पे भी हो सकती है, या आपकी पानी में भी हो सकती है, या आपके समतल पे भी हो सकती है, आपके हाई ऑल्टीट्यूड में भी हो सकती है, राइट? जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में आपने देखा अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं, वहां पे डिफरेंट प्रकार की स्पीशीज होती हैं, इवन लैटिट्यूड, डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप टेम्परेट रीजन पे जाओगे अर्थ के, है ना, जैसे एंटार्क्टिका या आपका रशिया या कनाडा, वहां पे अलग प्रजाति मिलेगी। ट्रॉपिक्स में आओगे, ट्रॉपिक्स में आपको अलग प्रजाति मिलेगी, राइट? यस। देन यू हैव व्हाट, हु गेव दिस टर्म बायोडाइवर्सिटी? इट वाज गिवन बाय एडवर्ड ओ विल्सन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी किसने कॉइन किया है? इट इज गिवन बाय एडवर्ड ओ विल्सन एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे आपसे फादर ऑफ कंप्यूटिंग पूछते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग पूछते हैं, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन। क्लियर? एनी डाउट?
सलमान यू कैन लीव द क्लास, यू आर मोर देन फ्री टू लीव द क्लास, ठीक है, इफ वी आर टेकिंग द पेन्स टू टीच थ्योरी फ्री सेशंस में, राइट, इफ इफ अ पर्सन कैन नॉट अप्रिशिएट दैट, यू आर मोर देन वेलकम टू लीव द क्लास, ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है क्लास अटेंड करने के लिए. ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और वाकई उनको शायद वो कोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो वो यूट्यूब के थ्रू रिविजन कर सकें. चलो, सो बायोडायवर्सिटी हम दो तरीके से मेजर करते हैं. वी मेजर द बायोडायवर्सिटी इन टू वेज. एक है स्पीशीज रिचनेस, दूसरा है स्पीशी इवननेस. मतलब रिचनेस, कितने प्रकार की स्पीशी एक रीजन में है. जैसे मैं मानू यहाँ पे एक हमारा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, सुंदरबन. अब इसमें कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, वो वहां की स्पीशीज रिचनेस होगी. प्रजाति समृद्धता मतलब वो जो एक रीजन है वो कितना समृद्ध है स्पीशीज में. दूसरा टर्म होता है इवननेस. इवननेस क्या है? रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी. मतलब कितना इवन है. मान लो मैंने बोला यहाँ पे तीन टाइगर हैं, दो डियर हैं, तीन रैबिट हैं, तो ये इवन है ना. हर प्रजाति का ऑलमोस्ट दो तीन है. अगर मैं बोलूं यहाँ पे पांच रैबिट हैं और सिर्फ एक लायन है, तो ये इतना इवन नहीं होगा. तो हम बायोडायवर्सिटी को कैसे मेजर करते हैं कि क्या, हाँ, क्या बायोडायवर्सिटी अच्छी है यहाँ पे कि नहीं है. टू थिंग्स, रिच कितना है, कितना अमीर. हम बोलते हैं ना कि आप कितने अमीर हो, आपके पास क्या बोलेंगे हम, रिचनेस, कितना पैसा है शायद, राइट. सो कितनी स्पीशीज है एक जगह. और दूसरा होता है आपके जो पैसा है वो कितने फॉर्म्स में है. आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास बैंक बैलेंस है ना, आपके पास कार है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास मे बी म्यूचुअल फंड्स हैं. तो इवननेस, अलग अलग प्रकार से आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो एक प्रकार से हम उसमें स्पीशीज में भी देखते हैं. हर प्रकार की स्पीशी होनी चाहिए, ठीक है, ओके, फाइन. देन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. जो जैव विविधता है वो तीन टाइप की होती है. क्या इसको हम अल्फा, बीटा और गामा भी बोलते हैं. सबसे पहले जो होती है, सबसे लो लेवल पे, आई मीन यू नो एब्स्ट्रैक्शन, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी. एक ही प्रजाति में कितने जीन्स हैं. मान लीजिए एक डॉग है, डॉग अलग अलग प्रकार का हो सकता है. यू कैन हैव गोल्डन रिट्रीवर, यू कैन हैव अ जर्मन शेफर्ड. ये सब डॉग्स हैं बट ये अलग अलग दिखते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें जीन्स अलग हैं. मे बी टू एडजस्ट विद द आउटसाइड एटमोसफेयर. आप किस प्रकार के माहौल में रह रहे हो उस हिसाब से आपका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी. दूसरा है स्पीशी. स्पीशी मतलब कितनी प्रकार की स्पीशीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया ए है, एक एरिया बी है. यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, कितने प्लांट्स हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन वन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीशी बायोडायवर्सिटी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज एक जगह. मतलब यहाँ बोलू मैं, यहाँ पे एक टाइगर है, ये कैट है, तो ये यहाँ पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा है. यहाँ पे सिर्फ टाइगर ही है तो बायोडायवर्सिटी कम है, ठीक है. यस, लास्ट इज इकोसिस्टम या कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी. मतलब डिफरेंट प्रकार के कितने कितने हैबिटेट्स हैं. जैसे अर्थ में, अगर मैं अर्थ की बात करूं, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक है, राइट, ट्रॉपिक है. यहाँ पे टेम्परेट रीजन्स हैं, कुछ डेजर्ट्स होते हैं, कुछ वेटलैंड्स होते हैं, कुछ रिवर्स हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में कितने प्रकार के इकोसिस्टम है, कितने प्रकार के इकोसिस्टम फ्लरिश कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है, राइट. सो यू हैव जेनेटिक, यू हैव स्पीशी, और टॉप लेवल पे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, क्लियर. हाँ बिल्कुल, तो मनुष्य भी प्रकार का है तो, बट वो है तो एक ह्यूमन के फॉर्म्स में आता है ना. अकेले सिर्फ ह्यूमन है तो बायोडायवर्सिटी वो रिच नहीं कहलाएगी. ह्यूमंस के साथ प्लांट्स होने चाहिए, एनिमल्स होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे बायोडायवर्सिटी पूरी रिच है. दैट्स वाई आपका इन्वायरमेंट सस्टेन करेगा, ठीक है. चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं क्वेश्चंस लेने से पहले. इस बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार की, उसको कंजर्व कैसे करते हैं,
उसको संरक्षित कैसे करते हैं। आपके पास अक्सर आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, अलग अलग तरीके तो हैं संरक्षित करने के, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर कुछ ऐसी बहुत नायाब चीज है, कैसे संरक्षित करोगे? बोलोगे मैम हम लॉकर में रख देंगे उसको, है ना, मैम उसको हम छुपा के रखेंगे या उसको हम कंजर्व करेंगे, डिपेंडिंग कि वो कितनी नायाब है, राइट। वैसे ही देर आर टू मेथड्स टू कंजर्व, वन इज कॉल्ड एज इन सिटू, ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड एज एक्स सिटू। इन सिटू एक्स सिटू क्या होता है? इन सिटू में ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नौलखा हार है, ठीक है, यू हैव अ नेकलेस जो आपको अपनी किसी बुजुर्ग नानी या दादी ने दिया है। आप उस नौलखे हार को अपने ही घर में अपनी अलमारी में रख दोगे, कहीं और नहीं लेके जा रहे हो, प्लेस, ठीक है, दैट विल बी इन सिटू। इन सिटू मीन्स जब कोई स्पीशी का कंजर्वेशन वी आर डूइंग एट द सेम प्लेस वेयर दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फेयर रिजर्व, इसमें हमने क्या किया, जहां पे वो स्पीशी है हम उसको कहीं लेके नहीं गए, हमने वहीं उसी एरिया को संरक्षित कर दिया। वी प्रोटेक्टेड द एंटायर एरिया बाय मेकिंग इट अ नेशनल पार्क, मेकिंग इट अ बायोस्फेयर रिजर्व और मेकिंग इट अ प्रोटेक्टेड वेटलैंड। वेयर एज एक्स सिटू में क्या होता है, जो आपके पास हार है, ठीक है, जो आपके पास इतना महंगा सा हार है, उसको आपने कहाँ किया, आप बैंक में लेके चले गए। आपने सोचा कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको यहाँ पे ना रखूं, मैं कहीं और जाके बैंक में इसको लॉकर में रख देता हूँ या रख देती हूँ, राइट। सो ये आउटसाइड द ओरिजिनल हैबिटेट हो गया, राइट। दिस इज कॉल्ड एज एक्स सिटू, ऑफ साइट कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर हैबिटेट इन साइंटिफिकली मैनेज्ड वे। बैंक के पूरा मैनेज्ड है ना, पूरा प्रजातंत्र है वहां पे, देयर आर एम्प्लॉयज, इट्स मैनेज्ड बाय द पीपल। वैसे ही यहाँ पे जीन बैंक होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी के जीन्स प्रिजर्व करने हैं तो जीन बैंक होते हैं, एक्वेरियम होते हैं, जूज, बोटानिकल गार्डन। कभी किसी जू गए हो क्या? जू एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, राइट, जो स्पीशी को लेकर आए और हमने प्रोटेक्ट किया। सो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, आपका बहुत कीमती हार है, हार को अपने खुद ही लॉकर में अलमारी में रख दोगे, इन सिटू है, बाहर जाके बैंक में रखोगे तो वो एक्स सिटू है, क्लियर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देन लास्ट थिंग ऑफ दिस थ्योरी इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे बोलती हूँ मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं आपसे क्या मांग लूंगी, हॉटस्पॉट दे दो यार, है ना, इंटरनेट नहीं चल रहा हमारा। हॉटस्पॉट और समथिंग समथिंग दैट्स वेरी हॉट, समथिंग दैट्स अ स्पॉट दैट इज वेरी यू नो इम्पोर्टेंट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? इट्स अ दैट बायोजियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे मेजर सोर्स है बायोडाइवर्सिटी का, और सोर्स तो है पर उसको खतरा भी बहुत है। Getting my point? So that is actually facing a lot of threat as well as destruction. तो हमें इन इन जगह, इन हॉटस्पॉट में हमें क्या करना है? Species को protect करना है। यहाँ पे क्या होती है? Species बहुत rich होती है, बहुत सारी species. For example, if I talk about India, India में ये वाला जो region है Western Ghats का, you must have heard it has a lot of species, it has number of species, a lot of species richness is there. Also it could be endemic. Endemic matlab kuch aisi prajatiyan hain jo sirf wahi milti hain, hai na, maan lijiye koi aisi titli hai, aisa koi frog mila hai jo sirf wahi milta hai na, lal aur peele color ka frog hai, wo endemic hai, wo wahi milta hai. To aise regions ko hum biodiversity hotspot bolte hain. Aa raha hai samajh mein? आ रहा है समझ में? एनी डाउट? इसको किसने दिया, कौन है, कौन व्यक्ति को? ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नस्ट हैकल, एजी टेंसले, जो भी लोग हैं जो देते हैं ये चीजें, टर्म्स को देते हैं, आपको याद रखना है। सो द पर्सन नेम्ड नॉर्मन मेयर्स, ही वाज अ ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, उन्होंने 1988 में ये दिया था टर्म हॉटस्पॉट, ठीक है, क्लियर। सो ही इन हिज पेपर, जब इन्होंने 1988 में दिया था, इन्होंने ऐसे 25 हॉटस्पॉट्स बताए थे पूरी दुनिया में, अब ये 35 से ज्यादा हो गए। अब भारत में कितने हैं जल्दी बताओ,
यस, तो 30% ऑफ इट्स इज थ्रेटेंड, मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको. सो भारत में, लेट मी नो हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स आर देयर, बट करंटली वी हैव 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट. और अगर किसी रीजन को मैं बोलूं कि ये हॉटस्पॉट है कि नहीं, तो इसको दो कंडीशंस मीट करना पड़ेगा. दो कंडीशन क्या? वहां पे 1500 से ज्यादा वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए जो कि एंडेमिक है, ठीक है. उस रीजन में देर शुड बी मोर देन 1500 वैस्कुलर प्लांट्स जो कि सिर्फ वहीं पाए जाते हैं. क्या लिख के बताओ, फर्स्ट कंडीशन क्या है? आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर, मैं चाहती हूँ आपको इसी क्लास में ये बेसिक चीजें याद हो जाएं, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी है, ये एग्जामिनेशन में आती है, एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस थ्योरी अलॉन्ग विथ मी ओनली. हाँ, कहाँ कहाँ पर है वो हम बताएंगे. पहले बताओ, क्या दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है? कौन कौन सी दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए? पहली बताओ, 1500 वैस्कुलर प्लांट जो कि एंडेमिक है, वहीं पाए जाते हैं, ठीक है, 1500 वैस्कुलर प्लांट. दूसरी कंडीशन है वो रीजन जो है अपना 70% तक ओरिजिनल हैबिटेट खो चुका हो, समझ रहे हो, 70% तक ओरिजिनल हैबिटेट खो चुका है, तभी तो हम बोलेंगे इसको संरक्षण की जरूरत है. यहाँ तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है हैबिटेट का, राइट. 1500 वास्कुलर प्लांट एज एंडेमिक. एंडेमिक मतलब ये देखो, इसमें स्थानिक के रूप में कम से कम 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए, ये सख्त मापदंड है. दूसरा मापदंड है क्या कि इन स्थानों में, इस क्षेत्र को अपने मूल निवास स्थानी की कम से कम 70% तक भाग को खोना पड़ेगा, या दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट. क्लियर? 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट, वेरी नाइस. चलो ये भी हमको समझ में आ गया. तो हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी देख लिया. किसने दिया है? नॉर्मन मेयर्स ने दिया है. कितने हैं? 36 हैं, ठीक है. क्या होते हैं? दो कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं. एक कंडीशन है 1500 वास्कुलर प्लांट एंडेमिक, दूसरी है 70% तक ओरिजिनल हैबिटेट दे हैव टू लॉस्ट. क्लियर? एनी डाउट एनीवन, प्लीज लेट मी नो, आर यू एंजॉयिंग दिस क्लास? सी आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग थ्योरी, है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बीच बीच में, ताकि आपका रिविजन, अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइज हो जाए, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो. आई हैव क्वेश्चंस ऑल्सो, बट डू लेट मी नो इफ यू आर एक्चुअली इंजॉइंग द क्लास एंड यू वॉन्ट मोर सच क्लासेस. आप अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच क्लासेस, राइट. हाँ, यस, ओके. सो वास्कुलर प्लांट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्न्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, राइट, इनको हम वास्कुलर प्लांट्स बोलते हैं. क्लियर? यस. लैंड प्लांट्स, ये लैंड पे मिलते हैं, एंड ये एक्चुअली दे हैव टिश्यूज जिसमें, जिसके थ्रू वाटर एंड एंटायर थिंग्स आर सर्कुलेटेड. चलो, वेरी नाइस. तो हम आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं भारत में. भारत में चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं. पहला है हिमालय. हिमालय में क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज रफ मैप, राइट, ये वाला जो हिमालय वाला रीजन है जिसमें नॉर्थ ईस्ट आता है, भूटान आता है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट आता है, यहाँ पे 163 इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और 10,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज हैं. आपको पता है ना, सारी हमारी जड़ी बूटियां हिमालय में होती हैं. हिमालयन बेल्ट इज द मोस्ट रिच बेल्ट. इतने पेड़ हैं और 3,160 वहां पे एंडेमिक हैं. 163 इंडेंजर्ड स्पीशी, 10,000 प्लांट स्पीशी, एंड यू हैव मोर देन 3,000 एंडेमिक जो कि सिर्फ वहीं पे मिलते हैं, ठीक है, आया समझ में. सेकंड सेकंड हॉटस्पॉट जो है वो है हमारा इंडो बर्मा. क्या है? दैट इज योर इंडो बर्मा. ये कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया है एक्सेप्ट आसाम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. दिस हॉटस्पॉट इज नोन फॉर एंडेमिक फ्रेश वॉटर टर्टल स्पीशी. यहाँ पे टर्टल मिलता है, टर्टल है ना, एक होता है टॉर्टोइस, एक होता है टर्टल. आपने सुना होगा ऑलिव रिडली टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल. टर्टल्स हैं, टर्टल्स कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. टॉर्टोइस जनरली लैंड में रहते हैं, राइट.
राइट, सो इंडो बर्मा। तीसरा जो है वो है वेस्टर्न घाट्स। जैसे इफ दिस इज इंडिया, राइट, ये श्रीलंका एंड योर एंटायर वेस्टर्न घाट, इसको हमने तीसरा हॉटस्पॉट बोला। चौथा है सुंडा लैंड। सुंडा लैंड इज निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ये जो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जावा सुमात्रा, इसको हम हमने चौथे में कंसिडर किया है। क्लियर? आई होप यू आर रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स अलॉन्ग विद मी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली फॉर यूजीसी, ट्रस्ट मी, एनी एग्जामिनेशन अंडर द स्काई यू विल गिव, बी इट यूपीएससी, बी इट स्टेट सर्विसेज। कल आई शेयर विद माई स्टूडेंट्स द एमपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके मेन्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। कल एनवायरमेंट का पेपर हुआ, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, उसमें सारे यही क्वेश्चंस पूछे थे जो हमने क्लास में पढ़े हैं। थिंग्स लाइक आईयूसीएन, थिंग्स लाइक साइक्लोन्स, टोर्नाडोज, हरिकेन्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो अगर आपने एनवायरमेंट अच्छे से पढ़ लिया है, आप कोई भी एग्जाम, सरकारी एग्जाम दे सकते हो बिना दिक्कत के। तो हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ो, इस भावना से पढ़ा करो कि आपको हर एग्जाम देना है, कोई भी अगर एग्जाम देना है। After even you want to, maybe you want to sit for civil services, you want to qualify, I mean you want to become an IAS, probably, then still it will help you, right? Yes, चलो last चीज देख लेते हैं question से पहले। ये आपको notes में भी मिल जाएगी कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू लिंक्ड हैं, ये बहुत बड़े एरियाज होते हैं। नेशनल पार्क क्या है? इट इज एक्चुअली अ स्मॉलर एरिया। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई भी मानव द्वारा की गई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक ओशन है, एरिया है, सरकार द्वारा ओन है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी को ही वो क्या करता है, संरक्षित करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, देयर आर लेस रेस्ट्रिक्शंस, नॉट मेनी। नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं, रोक टोक ज्यादा होती है। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन एरियाज होते हैं, क्या? एक है कोर, एक है बफर और एक है आसपास का जोन। कोर जोन जो है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, फोटो वोटो खींच सकते हो, रह नहीं सकते, और यहाँ पे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। क्लियर? नेशनल पार्क में को आईयूसीएन ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 का प्रोटेक्टेड एरिया बोला है, राइट? यहाँ पे हंटिंग एंड कैप्चरिंग इज प्रोहिबिटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हंट नहीं कर सकते हो, कैप्चर नहीं कर सकते हो। ये कैटेगरी 4 का प्रोटेक्टेड एरिया है। कौन देता है ये कैटेगरी? आईयूसीएन, ठीक है। पूरा वर्ल्ड नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बहुत बड़ा। जैसे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18, वी हैव 18, है ना। जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अब वो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी का एरिया, बट उसमें कुछ कोर एरिया रहेगा, एकदम बीच का एरिया जहां पे कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। कुछ एरिया रहेगा बफर जहां पे कुछ एक्टिविटी अलाउड है। कुछ एरिया रहेगा बाहर का जहां पे ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी अलाउड है। सो इंडिया में वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। आईयूसीएन इज व्हाट? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क हमारे यहाँ 105 है, ये क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा था। तो ऐसा मत सोचो कि यूजीसी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मोर देन 545। करंटली हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व को एक प्रोग्राम में हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये किसने चलाया है? यूनेस्को ने। दिस अ स्पेशल प्रोग्राम वेयर द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। क्लियर? हाँ, एनी डाउट? एनी डाउट? ये हिंदी में भी है, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने लिस्ट दे दी है कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नीलगिरी, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये क्वेश्चन यूजीसी पूछ चुका है। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व तो रन ऑफ कच्छ है, इसका लार्जेस्ट एरिया है। नीलगिरी पहला है। नंदा देवी उत्तराखंड, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम,
ठीक है। नेशनल पार्क आपको पता है जिम कॉर्बेट है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क है, उसको हेलीज नेशनल पार्क भी हमने बोला। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। सबसे ज्यादा टाइगर्स जिम कॉर्बेट में है। कान्हा नेशनल पार्क मंडला एमपी में है ना। नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, पेंच माधव, दुधवा आपका यूपी में है, बंदीपुर कर्नाटका में है, मानस असम में है, काजीरंगा रणथंबोर सरिस्का जवाहर सागर फुलवाड़ी राजस्थान में है। सो सारे मैंने नेशनल पार्क्स के इसमें आपको नाम भी दे दिए हैं। लेकिन आस्क यू, मरीन नेशनल पार्क, पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, लास्ट थिंग है वेटलैंड्स। ये आपने सुनी होगी, वेटलैंड क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया है जो कि पानी से सैचुरेटेड है। पानी यहाँ पे क्या है, भरा हुआ है, या तो परमानेंटली या सीजनली, मे बी इन अ पर्टिकुलर सीजन वहां पे पानी है, या हमेशा पानी रहता है, तो वो वेटलैंड है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी सारी बर्ड्स आती है माइग्रेट करके, ऑल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वेटलैंड, ये मैं वेटलैंड पे एक अलग से लेक्चर ले चुकी हूँ, यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है? दिसंबर के महीने में मैंने लिया था। कितने प्रकार के वेटलैंड होते हैं? फ्रेश वॉटर, ब्रैकिश मतलब पार्टली सॉल्टी, और सलाइन मतलब बहुत सॉल्टी। तो एस्चुरीज, लेक्स, ये सारे आपके वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है? वेटलैंड्स को हम अर्थ की किडनीज बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम फॉरेस्ट को अर्थ का क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। सो जैसे हमारे लिए सारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अर्थ के लिए उनके ये सारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमने कोई भी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया, खराब हो रहा है, तो अर्थ को ओवरऑल नुकसान पहुंचता है ना? ऐसे ही होता है ना, मनुष्य के अच्छे सस्टेनेंस के लिए हमें सारी चीजें हमारी अच्छी चलनी चाहिए, है ना? किडनी का सोच के आपको शायद आईफोन याद आ गया होगा, कि जब भी हम आईफोन लेने की बात करते हैं एक बेच दें क्या? नहीं। सो किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम वेटलैंड्स को किडनीज बोलते हैं, ठीक है? वेटलैंड से जुड़ा एक है रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन, ठीक है, ये 1971 में एक एकमात्र ग्लोबल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड्स के लिए साइन की गई है। इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है? भारत में कितने वेटलैंड्स हैं मैंने उस वीडियो में बताया है। ये 42 पुराना नंबर है, अब बहुत बढ़ गया है, ठीक है? यस, पहली वेटलैंड कौन थी? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करके भी एक टैग है, चिलिका लेक और किलाउदेओ नेशनल पार्क राजस्थान में, ये पहली रामसार साइट थी। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स कहाँ पर है रामसार साइट, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा रामसार साइट कहाँ पर है? आठ। किसमें है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? 49 है अभी भारत में, 49 रामसार साइट हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 8 के 8। सबसे पहली वेटलैंड्स कौन थे? चिलिका और किलादेव। क्लियर? 2 फरवरी को हम बनाते हैं वेटलैंड डे। यस, ये देखो, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे हाल ही में बनाया 22 मार्च को, अभी हमने अर्थ डे मनाया था, वीडियो भी आपको दिया था 22 अप्रैल को। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वी सेलिब्रेट 2 फरवरी, 3 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, एंड अर्थ डे 22 अप्रैल। एनी डाउट? सबको टेलीग्राम पे पीडीएफ की पड़ी है, जो समझाया वो याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, ठीक है? वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वाइल्ड लाइफ वीक हम मनाते हैं अक्टूबर 1 से अक्टूबर 7। एनिमल वेलफेयर डे हम मनाते हैं अक्टूबर 4। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिन हैं जो आपको याद होने चाहिए। पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन का दिन 16 सितंबर, वाइल्ड लाइफ डे, वन जीवियों का एंटायर सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, और पशु कल्याण दिवस एनिमल वेलफेयर डे अक्टूबर 4। क्लियर? थिंग्स आर क्लियर टू यू? वॉट इज, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी पढ़ी हमने, क्या होता है? इकोलॉजी पढ़ी हमने, क्या है ना? इकोसिस्टम पढ़ा, समझा क्या है?
बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, कितनी सारी चीजें इसमें हमने पढ़ी हैं। बायोडायवर्सिटी कितने प्रकार की होती है ना, स्पीशी, जेनेटिक, इकोसिस्टम, राइट। देन क्या क्या पढ़ा हमने, क्राइटेरिया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, किसने दिया, नॉर्मन मेयर्स ने दिया 1988 में दिया। टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं, 36 हैं, है ना। भारत में कितने आते हैं, 4 आते हैं। क्राइटेरिया पढ़े, पहला क्राइटेरिया है 1500 वास्कुलर प्लांट, दूसरा है 70% तक ओरिजिनल हैबिटेट लॉस किया जाना। क्लियर, याद हुआ, याद हुआ सब कुछ। इन वन क्लास आई हैव ट्राई टू मेक यू रिमेम्बर एंड रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपका एक कोर बनाता है इन्वायरमेंट का, ठीक है। हाँ नहीं, आई विल गिव, आई विल गिव, यस। चलो अब थोड़ा सा शगुन के पांच चार पांच क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें। सो इसरो विल लॉन्च अ जियो इमेजिंग सैटेलाइट व्हिच इज केपेबल ऑफ नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। सो इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी, है ना, करंट अफेयर है, करा है उसने पिछले साल, जो कि नेचुरल प्राकृतिक आपदाओं को मॉनिटर करेगा, जैसे साइक्लोन हो गया, ये हो गया। आंसर बताओ, ईओएस 1, 2, 3 या 4। वी हैव दीज थ्योरी सेशंस इन योर कोर्स, राइट। सो उसी से मिलता जुलता थ्योरी सेशन मैंने अभी लिया है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ऑफकोर्स आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हम थ्योरी डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट यस, फॉर माई यूट्यूब लर्नर्स वी ट्राई टू ब्रिंग सच थ्योरी एवरी नाउ एंड देन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए, है ना। ओके, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, इट्स नॉट डी, इट्स एक्चुअली ईओएस 3। सो ईओएस 3 थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 में लॉन्च करी गई थी। रियल टाइम मॉनिटर करेगी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स और साइक्लोन्स, और ये पूरी कंट्री को 4 से 5 टाइम्स डेली क्या करेगी, उसकी इमेज लेगी, राइट। सो इसको हमने SSLV के थ्रू लॉन्च किया था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आपको पता है PSLV होता है, यू हैव GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, वी हैव पोलार स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। ये सतीश धवन से लॉन्च किया गया था स्मॉल स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल में। विच सिटी हैज बिकम द ओनली सिटी फ्रॉम द कंट्री टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। कौन सा शहर है इस पूरे देश में जो कि चुना गया है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए। रायपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, सीहोर, मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर दो। यस यस, क्विकली क्विकली। और मुझे चाहिए कि सबके सब इस सेशन को क्लास के बाद भी शेयर कर देना, और मुझे चाहिए कि आप लोग कमेंट करें, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है आपको कमेंट पढ़कर, मैं जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। प्लीज लेट मी नो कि क्लास कैसी लगी। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, इंदौर, मध्य प्रदेश। यही क्लीन एयर, क्लीन एयर से आपको इंदौर याद आ गया होगा, है ना। बिल्कुल, हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश। इंदौर हमेशा क्लीन सिटी के लिए चुना जाता है, क्लीनेस्ट सिटी है, और इसको सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए, राइट। 5 साल के लिए इसको किया जाएगा, वहां की एयर को प्यूरिफाई किया जाएगा मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहायता से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाय विच कंट्री, विच ईयर। ये क्वेश्चन यूजीसी ने बहुत बार पूछा है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन अभी इतना इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको इसके बोर्ड्स दिखेंगे। तो टैप्ड वाटर, है ना, नल से, नलके से पानी कौन से साल तक पहुंचने का इसमें बोला गया है, 27, 25, 2023, 2024।
ओके, यस, द आंसर इज 2024, है ना। 2024 तक जल जीवन मिशन में हमने बोला है कि टैप ड्रिंकिंग कनेक्शन पहुंचेगा। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसमें सरकार पैसा लगाएगी। इसका एम क्या है? हर घर जल, हर घर जल, ठीक है। सो कोविड के कारण थोड़े से इसमें रुकावट आ गई थी, बट अभी तक 21.76% हाउसहोल्ड को पानी मिल चुका है। कितने करोड़ हाउसहोल्ड को? 4 करोड़, 4.17 करोड़ हाउसहोल्ड को पानी मिल चुका है, ठीक है, क्लियर। हर घर जल, यस, रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है, लाइक शक्तिमान, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? यस, पुरी में हो गया। एंड पुरी, उड़ीसा, पुरी सिटी इज एक्चुअली वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो द आंसर इज हाइड्रोजन, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, सॉरी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अर्थक्वेक, दो जगह अर्थक्वेक है, ए और बी। रिक्टर स्केल पे ये 4 है, ये रिक्टर स्केल पे 6 है। आपको बताना है इनकी इंटेंसिटी का रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा। ये यूजीसी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है। हाँ, रिक्टर स्केल में आपको दिया हुआ है इंटेंसिटी 4 और 6। आपको बताना है इनका क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या रहेगा, एक्चुअल में, मतलब कितना प्रभाव है इंटेंसिटी का। यस, लास्ट ईयर शॉर्ट वीडियो में बताया था। थैंक यू सचिन सो मच फॉर रिमेम्बरिंग दीज इंफॉर्मेशन विच आई मेक फॉर यू। कितने होशियार बच्चे हो ना आप लोग, हाँ, कहाँ से लाते हो इतना टैलेंट? 2:3 बोल रहे हो। सोचा होगा मैम ये रेशियो है ना, बचपन में ऐसे मैम सिखाई थी, रेशियो निकालना है तो बेटा 2 और ये 3 के उसमें आता है, 2 के पहाड़े में, मैम 2:3 रहेगा। कहाँ से लेकर आते हो इतना टैलेंट? हाँ, कुछ भी कुछ भी, रेशियो निकाल दिया। आंसर इज डी, 1:100। आपसे एब्सोल्यूट टर्म में पूछा है, ठीक है। मतलब अगर रिक्टर स्केल पे 4 और 6 है, और आपको पता है कि रिक्टर स्केल पे हर एक बीच में 4 और 5, 5 और 6, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ऊर्जा का, एनर्जी का, कितना इंटेंस है, वो होता है कितना, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर। जो पांचवा रिक्टर स्केल पे, अगर मैं बोलूं दो जगह अर्थक्वेक है, ठीक है, दो सिटी में, एक जगह 5 रिक्टर स्केल का, एक जगह 4 का पड़ा, तो जो पांचवा वाला होगा वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है, 10 टाइम्स हायर। सो 4, 5, 6, 7, 8, पांचवा वाला इस 4 से 10 गुना स्ट्रोंगर होगा, छठवा वाला 5 से 10 गुना होगा, सातवा वाला 6 से 10 गुना होगा। तो आपसे पूछा 4 और 6, सो क्या होगा, कितने गुना? 10 × 10, 100 गुना। सो इनका रेशियो क्या होगा? 1:100, ठीक है, बिल्कुल। आपका मतलब जो टैलेंट का लेवल है ना, वो प्रो लेवल मैक्स है। नॉर्मल, आप लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप लोग बहुत ही हटके लोग हो, सब एकदम साथ देते हो, गलती करने में भी ना, सबने 2:3 बोला, मैम हम सब बोलेंगे 2:3। बचपन से टैलेंट हो तो घमंड नहीं किया, बस यही तो सही बात है, ऐसे जमीन से जुड़े रहना है ना, कभी घमंड मत करना, इतने होशियार हो, कहाँ जाओगे उतने इंटेलिजेंस लेकर, ठीक है, बस ऐसे ही रहना अच्छे बच्चे बनकर। इसी के साथ हम अपना सेशन को विराम देते हैं, है ना। 5 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस भी बढ़िया थे, आप लोग का टैलेंट भी दिख गया, और कितने विनम्र हो, जमीन से जुड़े व्यक्ति हो, ये भी दिख गया, सब दिख गया मुझको, चिंता मत करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो, और थ्योरी से भी आपने सीखा हो,
काफी सारी चीजें सीखी थ्योरी में, क्वेश्चंस भी सीखे। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा, मजा आया, और ऐसा सेशन बीच बीच में चाहेंगे क्या? हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर भी लेकर आएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे ना, ऑब्वियसली ये तो हमारा कोर है। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यस, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे 17 को आता है। सूरज, सूरज आपका नाम सूरज, इसलिए आप बहुत उस पर जोर दे रहे हो मैम, डेजर्टिफिकेशन है ना, सूरज के कारण। यस, 17 जून। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल टेक योर लीव, मैं जाती हूँ, मैं फिर से आऊंगी बहुत जल्दी ऐसे ही किसी अमेजिंग सेशन के साथ। अभी बीच में अगर पॉसिबल होता है तो फिर आई विल कम अगेन विद वन सच सेशन, दैट कुड बी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर। और मेरी ऐप पे, बायजूस एग्जाम प्रेप की ऐप पे भी क्लासेस होती हैं, वो होती है 5:30 बजे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। आज नहीं है क्योंकि वेंसडे है, अब थर्सडे को क्लास होगी। क्लियर? ओके, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।